हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू श्रद्धा इंग्लिश मीडियम ऑनलाइन क्लासेस। स्टैंडर्ड फोर्थ सब्जेक्ट में चैप्टर फोर मल्टीप्लिकेशन। हम लोगों ने जो आगे के स्टैंडर्ड था उसमें भी हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के जो चैप्टर था वो हम लोगों ने देखा था कि हम लोग किस तरह से मल्टीप्लिकेशन स्किप काउंटिंग है, रिपीटिंग एडिशन के थ्रू हम लोग मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने सीखा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है रिपीटेड एडिशन, यानी कि आपको सेम नंबर है टू, तो टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू, आप टू नंबर टू को मिलाकर आप लोग यहाँ पर एडिशन करें, टू प्लस टू फोर, फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स प्लस टू एट। ओके, सो फोर टाइम्स हमने टू को लिया, सो फोर टाइम्स टू यानी कि एट। फोर इंटू टू, फोर टू सा कितने होंगे एट। ओके, ये रिपीटेड एडिशन। फिर स्किप काउंटिंग हम लोगों ने देखे थे, जैसे कि घेरा यहाँ पर थ्री रोज है, वन टू एंड थ्री, और हर एक रो में सेवन कप्स है। ठीक है, वी कैन रीड इट थ्री कप ऑफ सेवन, थ्री सेट ऑफ सेवन, यानी कि यहाँ पर तीन सेट है, वन टू एंड थ्री, और हर एक सेट में सेवन कप्स है। सो थ्री सेवन कप्स कितने हुए, कितनी टाइम्स हुए, थ्री टाइम्स। सो सेवन थ्री जा या फिर थ्री सेवन जा कितने होंगे, ट्वेंटी वन। सो सारे मिलाकर कितने कप्स होंगे, ट्वेंटी वन। ओके, सो यहाँ पर हमें रिपीटेड एडिशन इज ऑल्सो नोन एज मल्टीप्लीकेशन। ये जो रिपीटेड एडिशन हम लोग करते हैं उसे हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लीकेशन। ओके, यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 3.1 में इस तरह से टेबल दिया गया है, आपको करना है कंप्लीट द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन टेबल बाय स्किप काउंटिंग। आपको स्किप काउंटिंग से ये मल्टीप्लीकेशन टेबल करना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर ये टेबल आपको बहुत ही ये जितना आपको दिख रहा है कि ये इतना ज़्यादा वर्क करना है, बट ये वर्क बहुत ही ईजी है। कैसे, जैसे कि यहाँ पर ये है मल्टीप्लीकेशन की साइन है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन की साइन है, यहाँ जीरो से दस तक का आपको नंबर दिए गए, और यहाँ भी जीरो से दस तक के नंबर दिए गए। आपको करना है मल्टीप्लीकेशन किस तरह से, जीरो और ये रो है आपको, ठीक है, ये बॉक्स है, इसको इस बॉक्स के वहाँ पर कौन सा नंबर आ रहा है, जीरो और जीरो, इसके ऊपर है जीरो और यहाँ पर जीरो। सपोज ये बॉक्स लेंगे तो इसके ऊपर क्या है, जीरो, और यहाँ की रो में क्या है, वन। तो हमें जीरो को यहाँ पर तो जीरो के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। ऑलवेज एक बात याद रखनी है, अगर जीरो को किसी भी नंबर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज आंसर जीरो आएगा। ठीक है, जीरो इंटू वन जीरो, ओके, जीरो इंटू टू जीरो, ओके, जीरो इंटू थ्री जीरो। इस तरह से अगर हमने जीरो के साथ ये सारे नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पर आ जाए जीरो। ओके, वैसे ही वन इंटू जीरो, अभी हमें वन नंबर के साथ ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हम यहाँ पर देखें तो हमें वन का टेबल बनना है। वन 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 जा वन, वन टू जा टू, वन थ्री जा थ्री, वन फोर जा फोर, ओके, वन फाइव जा फाइव। वन तो कॉमन ही है, यहाँ पर हमें नंबर चेंज करना है, जैसे कि वन सिक्स जा सिक्स, वन सेवन जा सेवन, वन एट जा एट, वन नाइन जा नाइन, वन टेन जा टेन। ओके, इस तरह से मल्टीप्लीकेशन टेबल हमें कंप्लीट करना है, पूरा का पूरा टेबल आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ पर टू का टेबल हम लोग बोलेंगे टू जीरो, तो जीरो ही आ गया, टू इंटू जीरो, और यहाँ पर टू वन जा टू, टू 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 जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, ठीक है, टू फाइव जा टेन, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू सेवन जा फोर्टीन, टू एट जा सिक्सटीन, टू नाइन जा एटीन, ओके, टू टेन जा ट्वेंटी। ओके, इस तरह से हमने टू का भी जो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर आंसर था वो हमने देखा।